मैं सत्यनारायण सिंह राजपूत एक बार फिर से मेरे चैनल सत्य यूरोप में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि इंडिया में आप सभी लोग राजी खुशी होंगे। लिथुएनिया का जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। भाइयों यार सब्सक्राइब कर लिया करो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी बंदा कहीं जाके गलत जगह फंस जाए। मैं आपको हर चीज़ का हर प्रोसेस बताऊंगा, आप मुझसे जो चाहे वो पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूँगा, मैं कोई कुछ भी नहीं लूँगा आपसे, ठीक है? जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपसे बात भी करूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं मेरा लिंक दे दूँगा वीडियो में, ठीक है? आज मैं आपको जो लिथुएनिया का जो TRP कार्ड का जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस बताऊँगा विथ डॉक्यूमेंट के साथ में, आपको क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या नहीं चाहिए होगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो लिथुएनिया के लिए अगर आपको कोई कंपनी अगर हायर करती है तो आपको 4 डॉक्यूमेंट चाहिए। मैंने सब यहाँ लिख रखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 4 डॉक्यूमेंट आपके कंपलसरी है जो आपको सामने कंपनी में भेजने हैं, जिस सामने वाली जो भी कंपनी आपको हायर करती है, ठीक है? वो कंपलसरी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पासपोर्ट स्कैन, जो कि आगे फर्स्ट पेज से लेकर और लास्ट पेज तक आपको पूरा स्कैनिंग पासपोर्ट भेजना है उसको। स्कैन मोबाइल वाला स्कैन नहीं चलेगा, ये आपको जो फोटो स्टूडियो होता है वहाँ से स्कैन करके आपको भेजना है, ठीक है? और दूसरी और मेन चीज़ PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि लिथुएनिया पासपोर्ट ऑफिस से बनाया जाता है, वो आपको लिथुएनिया के पासपोर्ट ऑफिस से ही बनवाना है। और तीसरी चीज़ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो जो कि वेल्डिंग हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है, ITI ट्रेड सर्टिफिकेट, जो कि वेल्डर किसी भी लाइन में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में 20, अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देते हैं अपनी कंपनी में, तो 20 से 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक मेडिएशन लेटर अप्रूव हो जाएगा, ठीक है? वो अप्रूव होने के बाद मेडिएशन लेटर क्या होता है ये बता देता हूँ मैं पहले। इसमें जो न्यू प्रोसेस है उसमें न्यू रिक्वेस्ट सर परमिट करेगी TRP के लिए, तब उसके बाद जो नंबर जनरेट होता है उसको मेडिएशन नंबर कहते हैं, ठीक है? जिसे माइग्रेस एप्लीकेशन नंबर भी कहा जाता है। उसके बाद हमें दिल्ली VFS में जाना होता है, ठीक है? वो जो नंबर हमको जो दिया जाएगा, जो मेडिएशन लेटर जिसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है, वो आपको लेके दिल्ली एम्बेसी VFS में जाना होगा। वहाँ आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे, जो जो आपने डॉक्यूमेंट वहाँ जमा किए हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, आपका PCC हो गया, ठीक है? आपकी VFS की अपॉइंटमेंट लेटर हो गई, माइग्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, ITI ट्रेड का जो सर्टिफिकेट है वो हो गया, 1 साल का आपका हेल्थ इंश्योरेंस वो चाहिए, और बैंक बैलेंस का सर्टिफिकेट आपको VFS में साथ में लेके जाना है। उसमें आपको लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए आपको बैंक बैलेंस बताना पड़ेगा, और आपकी 2 फोटो। ये सारे डॉक्यूमेंट है जो VFS है वो आपके सारे चेक करती है, ठीक है? क्योंकि उनके पास आपका पहले से ही जो डेटा है, जो मेडिएशन जो आपको नंबर दिया जाता है, मेडिएशन का जो भी सर्टिफिकेट है उसमें एक नंबर होता है, उसमें आपका सारा डेटा लिखा हुआ होता है, जो भी डेटा उसमें अपलोड होता है वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कि डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। इस सभी के बाद में जब सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक हो जाते हैं तो उसके बाद में आपको पासपोर्ट आपका वापस दे दिया जाएगा। और इस प्रोसेस जब ये प्रोसेस आपका पूरा हो जाता है तो उसके बाद में आपको आपका बायोमेट्रिक वहाँ पर ही हो जाएगा, जो कि TRP के लिए बायोमेट्रिक एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। वो बायोमेट्रिक आपका वहाँ VFS में ही हो जाएगा और आपको पासपोर्ट आपका वापस दे दिया जाएगा, ठीक है? वहाँ पे आपसे आपका ईमेल ID और आपकी ईमेल ID बिल्कुल भी ना भूलें जब आप VFS ऑफिस जाएँ, तो आपका ईमेल ID जो कि जेन्युइन, ऐसा नहीं कि ये चला रहे वो चला रहे वो चला रहे, एक जेन्युइन ईमेल ID आपको देनी है और आपका मोबाइल नंबर देना है। उस ईमेल ID पे आपको 1 से 2 वीक के अंदर एक मेल आएगा। वो मेल होता है आपका जो इंटरव्यू या डिस्कशन जो भी है, ठीक है? उसके लिए मेल आता है, जो इसलिए आपको वो ईमेल ID जो देते हो आप वो जेन्युइन होने चाहिए। वो मेल जब आएगा उसके बाद में आपको तारीख दी जाएगी या, ठीक है? और आपको बताया जाएगा कि आपको कौन से एप्लीकेशन पे वीडियो कॉलिंग से आपको वो कुछ सवाल
सवालों के आपको जवाब देने होंगे जो कि बेसिक से होते हैं। आपका नाम क्या है, क्या करते हैं, आपका जन्म स्थान कहाँ है, आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी का नाम क्या है, आपने इस कंपनी को कैसे ढूंढा, आपकी उस कंपनी से कांटेक्ट कैसे हुआ, ये इसका वीडियो मैं आपको आगे डाल दूंगा। वो आप वीडियो देख लेना कि इंटरव्यू कैसे होता है जो लिथुएनिया का जो इमिग्रेशन से जो आपको जो लॉयर इमिग्रेशन का जो ऑफिसर होता है वो आपको जो कॉल करेगा उसका मेरे पास एक वीडियो है। मैं आपको वो वीडियो में डाल दूंगा, वो आप देख लेना कि किस तरह से वो वीडियो कॉल होता है आपका और आपका इंटरव्यू कैसे होता है। जब आपका ये इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद में 20 से 25 दिन के अंदर आपको एक फिर से ईमेल आता है, ठीक है, कि किस डेट को आपको जो टीआरपी कार्ड है वो किस डेट को आपको इश्यू कराया जाएगा और उसकी वैलिडिटी क्या है, कौन सी तारीख से लेकर और कौन सी तारीख तक वो वैलिड है। जो 2 साल आपको दिए जाएंगे उसकी तारीख मतलब किस तारीख से किस तारीख तक है, ठीक है, इसका आपको मेल आएगा एक, और उसमें आपको साथ ही में ये लिखा हुआ आएगा कि आपको वेफेस जाके कौन सी तारीख को कलेक्ट करना है। आप जाएं, आपको सब कुछ मेल आ जाएगा, आप जाके और आपका कार्ड ले सकते हैं कि आपका कार्ड रेडी हो गया या नहीं हो गया, और वेफेस जाओ और जो भी आपको वहाँ से वेफेस से आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, वो रिसिप्ट खोनी नहीं है, आपको बहुत संभाल के रखनी है। जब आप डॉक्यूमेंट जब जमा करेंगे उसके बाद में आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी, वो रिसिप्ट होने पर ही आपको वो टीआरपी कार्ड दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, वो रिसिप्ट नहीं खोनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको मेल आ जाएगा कि आपका टीआरपी कार्ड रेडी है, आप जाओ वीएफएस, रिसिप्ट दिखाओ और टीआरपी कार्ड लेके आओ और अप्लाई हो जाओ, यहाँ आके काम करो, पैसे कमाओ, घर वालों को भेजो। आशा करता हूँ मेरा वीडियो ये सब आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, और किसी को भी अगर कोई भी प्रकार की अगर जानकारी लेनी हो तो मैं इंस्टाग्राम आईडी मेरी दे देता हूँ, उस पर मुझे मैसेज करके आप फॉलो करें और मैसेज करें, मैं हर बंदे का जवाब दूंगा। जय हिंद, जय भारत। My name is Gintarė Litvinenko and I'm calling from Migration Department. Today is 22nd of March 2023. Time is 2:30 p.m. I would like to inform you that our video call will be recorded. You have applied for temporary resident permit in Republic of Lithuania on work basis. So I will be giving you some questions which will be related to your application. Did you understand everything? Okay, so first of all, I would like to identify you, so please show me your passport. Okay. Yes, please don't move now. Okay, thank you. So now please introduce yourself. Tell me your name, surname, and place of birth. Place of birth. Tell me the name of a company where you will work in Lithuania. And how did you find out about this company? How you found this company? And how we selected you? Have you talked with them? Have you talked with them? It was how you was talking with them. It was a call, a video call. In which platform it was?
And did you have interview or something? How we selected you? With whom you was talking from this company? With whom?